सुखिया सिंह बबरकत फतमन अबदी और जलाली नाम में आप सबके सामने चाहता हूँ। शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स का कि जिसने आज फिर हमें एक मौका फ्राहम किया कि हम उसके कलाम के ऊपर निगाह कर सकें और उसके कलाम से अपनी तरबियत और तंबीह कर सकें, अपनी रविशों पर गौर कर सकें और उसके कलाम से बरकत पा सकें। आमीन। आज का मेरा जो टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे और ये सिलसिला लंबा है, जारी रहेगा, अगले संडे भी हम इसी में से सीखेंगे, हैगल का तकद्दस और तमीरे नो। क्या है? हैगल का तकद्दस और तमीरे नो। खुदा के घर के बारे में अगर बात की जाए, खुदा के घर के बारे में सीखा जाए तो तमाम अकवाम के अंदर, तमाम मजहब के अंदर लोग अपने अपने माबूदों का घर बनाते हैं। वो अपने अपने माबूदों के लिए इबादत गाहें बनाते हैं, मत बनाते हैं और उनका ये तसव्वुर है, उनका ये ख्याल है कि जब वो अपने खुदा का घर बनाते हैं, जब वो एक इबादत गाह बनाते हैं, एक सकूनत गाह बनाते हैं, एक मत बनाते हैं तो उनका माबूद उसमें आकर सकूनत करता है। गैर इकाम, गैर माबूदों को मानने वालों का ये तसव्वुर है, उनका ये ख्याल है कि जब वो अपने देवताओं के लिए, अपनी देवियों के लिए, अपने माबूदों के लिए मंदिर बनाते हैं, घर बनाते हैं, इबादत गाहें बनाते हैं तो उनका माबूद उसमें आकर रहता है। और बास मजाहब के अंदर तो वो अपने माबूदों के लिए जब घर बना लेते हैं तो फिर खुराक का भी इंतजाम करते हैं। वो अपने माबूदों के खाने के लिए फल, अपने माबूदों के खाने के लिए रोटियां और इस तरह की अशिया जो है उसके हजूर गुजारते हैं और बतायदगी पर के से वो अपने माबूद के घर में जाकर रखते हैं। बासी हो जाने की सूरत में उसे उठा लिया जाता है और ताजा खाना पेश किया जाता है। मैं समझता हूं कि ये उनकी अकीदत है और इसके साथ साथ जब वो अपने माबूद के लिए, अपने देवताओं के लिए घर बना रहे होते हैं तो उनकी शान के शाया उसको उसके अंदर सामान लगाया जाता है, कुछ उसे सोने से, कुछ उसे चांदी से, कुछ उसे अच्छे और कीमती पत्थरों से, लकड़ी से उसको बनाते हैं। और अगर देखा जाए तो शरीयत के अंदर भी जब हैगल सुलेमानी तैयार की गई तो खुदा के बंदा सुलेमान ने अच्छे से अच्छी चीज के साथ उसको खूबसूरती बख्शी और उसी खूबसूरती का सबब यह था कि वो अपने खुदा की कुदरत को, उसकी अहमियत को जानता था। मेरे सो इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़े, टॉपिक के हवाले से मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि जब तक किसी शख्स को उस काम को जो कर रहा होता है उसकी अहमियत और उसके तकद्दस से वाकफियत ना हो, वो कभी भी उससे फायदा हासिल नहीं कर सकता। जस्ट लाइक अगर कोई शख्स नस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता है तो वो क्यों उसमें दाखिला लेना चाहेगा? क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज में से इसका एक नाम है और ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन क्या इतना जान लेने से उसे दाखिला मिल जाएगा? क्या करना पड़ेगा उसे? यकीनन उसको पहले उसकी अहमियत को जानना होगा कि अगर मैं इसमें दाखिला लेना चाहता हूं तो इसकी रिक्वायरमेंट्स को मुझे पूरा करना है।
और जब वो उसके तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा तो फिर उसे उसमें दाखला मिलेगा, और जब वो वहां से पास आउट होगा तो यकीनन अच्छे से अच्छा इदारा उसे अपने पास जॉब देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसने एक नामी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री को हासिल किया है। इसी तरह बहुत सारे मुजाहब अपने देवताओं के लिए, अपने माबूदों के लिए मत तो बनाते हैं, अबादतगाहें, मंदिर, घर तो बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, इवन के कौम बनी इसराइल भी उस मकदस को जो उन्होंने बनाया था उसके तकद्दस से नावाकिफ हो गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब खुदा के बंदा दाऊद के दिल के अंदर ये बात आई, जब अपने महल के ऊपर टहल रहा था, जब अपनी सारी शान शौकत को देख रहा था, तो उसने देखा कि मैं एक बड़े महल में रहता हूं, मेरे नौकर बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, मेरी एक शान शौकत है, लेकिन मेरी ये सारी शान, मेरी ये सारी दौलत, मेरी ये फतवाहत उस खुदा के सबब से है जो उस खेमा में रहता है। किसमें रहता है? उस खुदा के सबब से है जो पर्दा के पीछे है, जो खेमे इस दवा के अंदर बने हुए अहद के संदूक के ऊपर जलवा बिल होता है। और उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं महल में रहता हूं। ये इसकी क्या थी? बादशाह की, बादशाह झोपड़ी में रह सकता है? अगर एक बादशाह झोपड़ी में हो, इमेजिन कीजिएगा, एक बादशाह झोपड़ी में हो और उसने अपना शाही लिबास भी पहना हो और आप उसके पास जाए और आप, वो आपको कहे मैं बादशाह, मान जाएंगे? क्या कहेंगे? नहीं, उसने लिबास शाही पहन रखा है लेकिन रह वो झोपड़ी में रहा है, और आपसे कहे कि मैं बादशाह हूं, आप क्या कहेंगे? ठीक है, और कोई नकली बात? मेरी शरीयत में हम उसे कहेंगे पागल, पागल है, ये पागल है। अगर इसने इतनी शान और शौकत का लिबास पहना है, ये बादशाह है, तो इसकी शान के छाया इस तक पूरा महल होना चाहिए, ऐसे ही है ना? अगर ये बादशाह का लिबास पहने हुए है, अगर ये बादशाह की शान और शौकत रखता है, तो इसका घर भी अच्छा होना चाहिए। अब है वो बादशाह, कपड़े भी बादशाही है, जहां जलाल भी है, लेकिन रह झोपड़ी में रह तो हम कहते हैं ये पागल है। क्या है ये? कोई धोखेबाज है, ये नकली है। अब जब खुदा के बंदा दाऊद के दिल में ये बात आई, मेरा खुदा खुदा का दिल है, हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो खुदा कादिर है, जो खुदा कादिर मुतलिक है, जो सब में इख्तियार है, हर एक चीज उसके ही वसीला से दुनिया में आई और हमें हासिल होती है। इसीलिए खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, जो मुझे कुवत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, यानी मेरी कुवत का मब्दा जो है वो कौन है? खुदा है, खुदा का बेटा यीशु है, और उसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। और इससे ख्याल आता है, अब ये उसके दिल के अंदर मैं समझता हूं खुदा के घर के लिए गैरत है। क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि बादशाहों का बादशाह को जब पर्दों के पीछे देखा जाए, जब बादशाहों के बादशाह का जिक्र इस खेमा में किया जाए, तो ये उसके शान के शायान नहीं है। मैंने आपको बताया कि बादशाह झोपड़ी में नहीं रहता, ये उसके शान के शायान नहीं है। उसकी शान ये है कि उसके लिए खूबसूरत घर बनाया जाए और एक ऐसा घर तामीर किया जाए, एक ऐसा घर, एक ऐसी सकूनत गाह उसके लिए बनाई जाए जो दुनिया के अंदर एक नमूना हो। लोग उसे देखें और कहें कि इनका खुदा खुदाए अजीम है और उसका घर घरों में से अजीम है।
आमीन। अब जब उसके दिल में ये गैरत आई है खुदा के घर के लिए, तो उसने अपने दिल में ठाना और प्रेस। जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं, मैं आज सुबह जब इस बात को पढ़ रहा था तो मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भर गया। मुकद्दस दाऊद के बारे में लिखा कि जब उसने अपने दिल में इस बात को ठाना तो उसने कहा कि ना नींद मेरी आंखों में आए और ना मैं अपने बिस्तर पर लेटूंगा। आमीन। क्या हो? ना नींद मेरी आंखों में आए और ना मैं अपने बिस्तर पर लेटूंगा जब तक कि मेरे खुदा का घर ना बन जाए। उसके दिल के अंदर इस कदर खुदा के घर की तड़प है कि वो अपना जलाल जलाल ही भूल गया है। वो अपने आप को बादशाह तस्लीम ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो बादशाहों के बादशाह के घर की फिक्र में लगा है। और फिर हम देखते हैं कि वो उस घर के लिए शिमरोज कोशिश करने लगता है और खुदा का घर बन जाता है। इच्छा कि जब खुदा का घर बनता है, मुकद्दस सुलेमान जब उस घर को बना लेते हैं तो खुदा खुद सुलेमान को दिखाई देता है और कहता है कि ये घर जो तूने मेरे नाम से बनाया है, ये घर जो मेरे नाम से कहलाता है, मैं यहां हाजिर हुआ करूंगा। यानी कि हैकल खुदा की हजूरी का सबब है। खुदा की हजूरी हैकल में हुआ करेगी। मैं यहां आकर तेरी सुना करूंगा, मैं यहां आकर तुझसे बातें किया करूंगा और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा। आमीन। और खुद उस घर को मुकद्दस ठहराया। क्या किया? किसने? खुद खुदा ने उस घर को क्या किया? मुकद्दस ठहराया। जो कोई इसमें आकर दुआ करे, जो कोई इसकी तरफ रुक करके दुआ करे, जो कोई इस तरफ हाथ उठा के दुआ करे, जो भी हैकल में आकर, नस्ल मजहब रंग नहीं है, जो भी, मैं क्या करूंगा? सुनूंगा, मैं यहां से तुम्हें बरकत दूंगा। तो ये कहना मुनासिब होगा कि खुदा का घर, उसकी सुकूनत का, खुदा की हैकल, खुदा का मकदस बरकत का जरिया है। वहां से बरकत तिलवर होती है। और हम देखते हैं कौम बनी इसराइल ने जब उस घर को बनाया, जब उसमें कुर्बानियां चढ़ने लगी, जब काइन उसमें हाजिर हुए, जब गाने बजाने वाले वहां इकट्ठे हो गए, तो खुदा का जलाल वहां पर जाहिर हुआ करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कौम बनी इसराइल दुनियावी मामलात में पड़ गई। क्या हो गई? दुनियावी मामलात में पड़ गई। हैकल का तकद्दस पामाल होने लगा, लोग हैकल से दूर होने लगे और वो घर जो खुदा का घर कहलाता था, वो घर जिस घर के ऊपर खुदा का बरकत वाला हाथ बढ़ा रहता था, खुदा ने अपना हाथ उठाना शुरू कर दिया। जिस घर की हिफाजत का जिम्मा वो खुद लेता है, उसने उस घर को बर्बाद होने के लिए दे दिया। क्या कर दिया? हम देखते हैं कि हैकल पर हमला होता है और कौम बनी इसराइल बाबल की गुलामी में चली जाती है। किसकी गुलामी में? और जब वो बाबल की गुलामी में गई तो कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि हैकल खंडरात का मंजर बयान करने लगी, हैकल वीरान हो गई। और जब हैकल वीरान हुई, जब हैकल का तकद्दस पामाल हुआ, तो कौम बनी इसराइल गुलामी में चली गई। क्या हुआ? बरकत उनसे जाती रही। और आज भी जब कलीसियाओं में खुदा के घर को पामाल किया जाने लगे, जब खुदा के घर का तकद्दस पामाल हो जाए, जब लोग अपने दुनियावी मामलात में खो जाए और खुदा का घर वीरान हो जाए, तो फिर नाकामी
गुलामी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। और इसी बात को जब खुदा ने देखा गो कि उन लोगों ने हैकल को छोड़ दिया था, हैकल के तकद्दस को तमाम कर दिया था, हैकल से दूर चले गए थे, लेकिन उसकी कुदरत और उसके प्यार में कमी ना आई। और उस प्यार के इर्द उसने फिर से अपने अंबियाए अकबर और अंबियाए असगर के जरिया से अपना पैगाम कौम को पहुंचाना शुरू किया। उठो, अपनी वृक्षों पर गौर करो और मेरे घर को ताहीर करो। दलील के वसीला से, हिजकील के वसीला से, यशायाह के वसीला से, यर्मिया के वसीला से, हिजकी के वसीला से, मलाकी के वसीला से, ज़करिया के वसीला से उसने अपने लोगों के साथ मुसलसल रابطہ रखा, अपने लोगों के साथ मुसलसल काम करता रहा कि उठो और मेरे घर को तामीर करो। और आए आज इसी बात को रखते हुए हम मुकद्दस हिजी के सहीफा में से देखते हैं कि खुदा ने उसके दिल में डाला वो कि जब हैकर की तबाही को देखा गया, हैकर की बर्बादी को देखा गया तो यर्मिया का दिल फटने पर आ जाता है। वो जार जार आंसू बहाता है और कहता है काश कि मेरी आंखें चश्मा होती, मैं रोता रहता, मेरा दिल खुदा के लिए फट जाए। क्योंकि जब उसने हैकल पर निगाह की तो हैकल खंडरात बनी है, बर्बाद हुई है। और उसने बहुत लोगों को इस बात के लिए उभारा, लेकिन इन अबिया की फर्ज के ऊपर जब निगाह करता हूं तो मुकद्दस हजी एक ऐसे खुदा के पैगंबर हैं, ऐसा नबी जिसने अपनी नबूवत को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखा। यशायाह नबूवत करते आए, लोगों को उभारा, यर्मिया ने उभारा, लेकिन उनके सामने काम नहीं हुआ। लेकिन जब हम इस पैगंबर पर बात करते हैं तो उसने नबूवत की, लोगों को उभारा और इस कलाम को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देखा। मेरे साथ निकालिए हिजी नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत से लेकर हम आठवीं आयत तक का मुतालिया करेंगे, फिर साथ साथ आगे मुझे सीखते जाएंगे। जी अगर किसी ने निकाला हो तो पढ़ने में मदद कर सकते हैं। जी खुदा ने उसे कहा कि मैं तेरी सल्तनत
तेरे बेटे के हाथों छीन लूंगा। और ऐसा ही हुआ कि यिर्मयाह ने हमला किया, बाप से बगावत की और सल्तनत जाती रही। अब यिर्मयाह से लेकर होशिया तक 19 बादशाहों ने इसराइल के ऊपर हुकूमत की। कितने? 19 बादशाहों ने हुकूमत की, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो 19 के 19 बादशाह कलाम मुकद्दस बताता है कि शरीर थे। क्या थे? यानी अगर एक वैसे जर्मन बात करने लगा, अगर उन्होंने 20-20 साल हुकूमत की हो, चले साल लगाने में वो हो जाएगा, साल साल कर लेने 19 साल, अगर 19 साल मुल्क शरारत में रहा है, बदी होती रही है, तो फिर हैकल का बर्बाद होना तो डर है, फिर गुलामी में जाना तो। हम अपनी हैकल की बात कर लें, अगर ये हैकल 40 साल शरारत में रही है तो फिर क्या होगा? कलाम का फैसला है कि उसने उन्हें उनकी शरारत में छोड़ दिया। कहना लायक हरकत करें ऐसे ही है। 19 बादशाहों ने जब हुकूमत की, शरीर बादशाह थे, उन्होंने बदी को बढ़ावा दिया, तो खुदा ने अपना हाथ उठा लिया। और जब हिजी नबी को यह पैगाम पहुंचा खुदा की तरफ से, जब खुदा ने कहा जा और जाकर मेरी कौम को उभार, तो लिखा है कि रबुल बादशाह फरमाता है कि ये लोग कहते हैं। हम यहीं से शुरू करेंगे, फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे। जी क्या लिखा है? ये लोग कहते हैं कि ये लोग कहते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर जब भी हम ईमानदारों की जिंदगी के ऊपर बात करते हैं, जब भी हम खुदा के कलाम के ऊपर कौम बनी इसराइल की जिंदगी के ऊपर बात करते हैं, तो खुदा उन्हें अपने लोग कहता है। क्या कहता है? मेरे लोग, मेरी कौम, मेरी उम्मत। लेकिन यहां पर खुदा अपने लोगों को अपना नहीं कह रहा, लम्हा फिक्रिया है। ये लोग कहते हैं अभी खुदा के घर की तमीर का वक्त नहीं आया। खुदा उन्हें गुलामी से निकाल कर, बाबल की गुलामी से जब निकाल कर लाया, तो खुदा के लिए लफ्ज बोला गया रब्बुल अफवाज, फौजों का रब, लश्करों का खुदा, जो अपनी कुदरत से, अपने जोरे बाजू से, न तलवार से, न लड़ाई से, न जंग से, बल्कि अपनी कुदरत से बादशाह के दिल को जहां चाहता है पानी के नालों की तरह बहाने चाहता है। उसने बादशाह के दिल को नरम कर दिया और उसने वो जो गुलामी में है उन्हें कहता है जाओ और जाकर यरूशलेम को जो वीरान पड़ा है आबाद करो, जाओ और जाकर अपने खुदा की हैकल को फिर से तामीर करो। ये बड़ी खुशी के साथ खुदा के घर में यरूशलेम में वापस आए, अपने घरों में आकर रहने लगे और नबी के पैगाम के ऊपर उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बड़ी दिलजमी के साथ हैकल को तमीर करना शुरू कर दिया है। मौजूदा दौर के अंदर भी जब हम खुदा के घर को देखें, जब नया नया घर बनने लगता है ना, तो लोग बड़ी खुशी के साथ पार्टिसिपेंट करते हैं। ढांचा बन जाता है तो सारी उम्र ढांचा ही बन जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। ऐसा ही हुआ यहां पर भी, जब उन्होंने हैकल को तामीर करना शुरू किया, तो मुकामी लोग जो थे, जब यरूशलेम से कौम बनी इसराइल गुलामी में चली गई, तो जो लोग वहां पर आकर बाहर से बसे थे, मुखालफत शुरू हो गई। बीच के लोगों ने भी मुखालफत शुरू कर दी और जब मुखालफत शुरू हुई तो 16 साल तक, कितने 16 साल तक हैकल का काम रुका रहा। छोटा सा नहीं है, 16 साल तक हैकल तामीर नहीं हुई। काम शुरू हुआ
लेकिन वहीं पर उसे रोक दिया गया, काम आगे नहीं बढ़ा और लोग अपने घरों में मसरूफ हो गए। लोगों ने अपने घर बनाना शुरू कर दिए। मेरे अजीजों, जब भी खुदा और उसके लोगों के दरमियान क्या, जब खुदा और उसके लोगों के दरमियान गुनाह हायल हो जाता है, तब खुदा अपने लोगों को अपने नहीं कहता, ये कहता है, क्योंकि खुदा गुनाह से मुबर्रा है, खुदा गुनाह को पसंद नहीं करता। और जब उसके लोग गुनाह में पड़ जाते हैं तो फिर वो उन्हें मेरे नहीं ये कहकर पुकारना शुरू कर देता है। ये लोग, क्योंकि जब इस लफ्ज को की तफसील देखी जाए या तशरीह की जाए, तो जब किसी को अलहदा कर दिया जाए ना, यानी कि अपना नाम उससे हटा दिया जाए, तो उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मेरा नहीं, पराया हो गया है। ये लोग ईसाई को मेरे लोग कहने की बजाय ये लोग कहकर मुखातिब करता है, और उसका सबब यह था कि इसराइल के लोग गुनाह में मुब्तला हो चुके थे, वो खुदा के घर की गैरत नहीं कर रहे थे, खुदा का घर वीरान पड़ा हुआ था, लोग अपने मामलात में, दुनियावी मामलात में बहुत खो चुके थे। और जब मैं इसकी हिस्ट्री देख रहा था, जब लोग बाबिल की गुलामी से वापस आए तो उन्होंने क्या किया कि जितना हैकल का की तमीर कर ली, और बाकी का जो पत्थर और जो लकड़ी बची थी वो उसे उठा के अपने घरों में ले गया, और उन्होंने अपने घरों को तैयार करना शुरू कर दिया। अपने घरों पर वो इस कदर तवज्जो देने लगे कि 16 साल तक एक वजह मुखालफत थी, लेकिन वो इस कदर अपने घरों में मसरूफ हुए, इस कदर वो दुनियावी मामलात में मसरूफ हुए के खुदा के घर को संजीदा ही नहीं मिला। आज भी कलीसियाओं के अंदर यह बात आम पाई जाती है। हम हर एक बात के लिए बड़ी कोशिश करते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि जब तक अहमियत का पता ना हो बरकत नहीं पा सकते। हमें घर की, खुदा के घर की अहमियत ही पता नहीं। हम समझते हैं कि खुदा के घर इतवार को आ जाना बड़ी बात है। मैं खुद भी बहुत से लोगों को दुआ करते हुए सुनता हूं, खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं आज तूने मुझे अपने घर में आने दिया, ऐसे ही है ना, बाकी दिनों का कोई पता नहीं होता। और इस दिन को हम बड़ा खास समझते कि आज मैं तेरे घर में आ गया हूं, और बात खत्म। यूनिवर्सिटी का मैंने आपके साथ जिक्र किया ना, उधर पढ़ते हुए क्या करते हैं, अब बड़ी मेहनत करती है, ऑप्शन फीस नहीं लेते, लेते हैं नहीं लेते, लेते हैं। क्यों, वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं। एक और भी जवाब दे, टीचर कौन कौन है, टीचर हजरात तेरा हाथ खड़ा करें ऊपर, बंदे जो जब उस्ताद कर सकते वहां रूहानियत वहां जिसमानी है दरियावी है तरीवी जड़ा भी है, है कोई हाथ खड़ा करो, ठीक नहीं है, मैं सवाल नहीं करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ ठीक है, चल पहला हाथ में खड़ा करना। हाँ जी और क्या है, हाँ विरोध में कहने लगा सर, सर रोशनी तुम नजर नहीं आए, मामा भी पीछे बैठी है। हाँ जी और मैं कहीं जाना फिर हाथ चुप करके है ना, टीचर आप अच्छा और कौन है, अच्छा आप लोग स्कूल में फीस क्यों लेते हैं, आप समझते हैं कि आप पढ़ाने का मुआवजा लेते हैं, ऐसे ही है ना, ये भी लम्हा फिक्रिया है, नहीं की आवाज आई फिर कहीं से, यस भाभी रूद के लिए तालियां बजानी चाहिए। फीस सिर्फ इसलिए नहीं ली जाती कि ये उस्ताद का मुआवजा है, एक शगिर्द कभी भी उस्ताद का, उसकी मेहनत का, उसकी पढ़ाई का मुआवजा नहीं दे सकता। ये स्कूल के अखराजात
स्कूल की मेंटेनेंस और उसकी जरूरियात को पूरा करने के लिए हम फीस पे करते हैं। और मैं ये समझ रहा था कि जब कौम बनी इसराइल ने उस आलीशान घर को बनाया है जिसे सुलेमानी हैकर कहा जाता है, तो उस घर की शान के शाया, उस घर को कायम रखने के लिए, उस घर की खूबसूरती को बहाल रखने के लिए उसके अखराजात भी हैं। और वो अखराजात बेशक खुदा ही पूरे करता है, लेकिन खुदा तो पैसे में बैग नहीं सटता। मैं एक शख्स से बात कर रहा था, मैं मेरा शाह में था, एक बुजुर्ग थे, कोई 65 साल तकरीबन उनकी उम्र हो चुकी होगी। जब खुदा के कलाम के हवाले से हम दाईगी के ऊपर चंदे के ऊपर बात करें तो बड़ी सादगी से मुझे जवाब दिया, देखो भाई साहब सारा कुछ किधर है, खुदा का मन कौन देता है, खुदा तो कहता है मेरे को लेने की कभी लोड़ है। उसने कहा भाई मेरे मेरे पैसों की से क्या जरूरत है, अगर मैं मेरी कितनी दाईगी बन दी होगी जी, 5,000-6,000 खुदा को 5-6,000 दिखा दी लोड़ है जी। वो मुझे इतना देता है कि मैं उसमें से 6 निकाल सकूं, तो जो मुझे इतना देता है उसको मेरे 6 की क्या जरूरत है। अब लोग हैकल को देखकर उनके दिल में भी यही था कि खुदा जो हर एक चीज का मालिक है उसी की कुदरत से ये बना है, क्या जरूरत है देने की। और ये एक बड़ी खतरनाक बात है, इंतहाई खतरनाक बात ये है कि जब कोई ईमानदार अपनी जिंदगी के अंदर सुस्ती को आने देता है। इसके ऊपर आगे चलकर हम सीखेंगे कि कैसे सुस्ती आती है और फिर कैसे हम दूर होते हैं। ये लोग कहते हैं कि अभी खुदा के घर की तामीर का वक्त नहीं आया, अब अखराजात पूरे करने के लिए खुदा ने उन्हें यह सिखाया कि मैं तुम्हारे लिए उस्ताद मुकर्रर करूंगा, मैं तुम्हारे लिए लावी मुकर्रर करूंगा, मैं तुम्हारे लिए कायम मुकर्रर करूंगा जो मेरे घर की हिफाजत करेंगे, जो मेरे घर का ख्याल रखेंगे। लेकिन तुम पर यह फर्ज है कि जब भी तुम खुदा के घर में आओगे तो अपने पहले फल लेकर आना, खाली नहीं आना। और उसकी खूबसूरत मसाल यह है, जब खुदा का घर बनाया, अक्सर जब चर्चेस तमीर किए जाते हैं, बल्कि चर्चेस से थोड़ा हटकर अपने घर पे पहले आते हैं, फिर खुदा का घर चलाएंगे। आपने छत डाली, पहली छत की कितना सी की नहीं, वो बड़ा तो बात देती थी, मैं भी ये थी। अच्छा जी, और कोई नवा नवा छत करके बने आवे, छत पैंती है लैंडर पैंता की करते हो भाई साहब, लेट रहते हैं ना, नहीं बचा कहाँ के कोल देने जब है। हाँ जी, देख देख वाली गल मेरे कना तक पहुंची है, लेंटर डालने से पहले देख दी जाती है, और वो होती हो सिर्फ वो मजूरात थी है पादी दे इसे काटी आती पैसे पैसे ही आता, यानी कि हम खुशी से देख देते हैं, खाने से खाने पीने से हम छत बनाते हैं, आगे जाके छत की बड़ी बात होगी। जब खुदा का घर तामीर किया गया, हैकल बनाई गई, तो क्या हुआ था, पहले कुर्बानी नहीं, कुर्बानियां, एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हाँ जी, हाँ जी, 100, 1,000, हजारों भेड़े, बकरियां, बैल, वो खुदा के हजूर में कुर्बानी चढ़ाता है। और वो इस बात की निशानी है कि जब इस घर की इब्तदा ही कुर्बानियों से हो रही है, तो जब तू उसके घर में आएगा तो कुर्बानी लेकर आएगा। और ऐसा ही होता रहा, लोग हैकल जाकर कुर्बानियां चढ़ाते रहे, हर रोज खुदा के हजूर कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, लेकिन आज खुदा का घर वीरान पड़ा। मैं आपका सब एक दिन बात कर रहे थे, 500 तादाद 1,000 तादाद ऐसा वैसे ही है ना, लाखों की तादाद होगी तो कलाम सुनाया जाएगा,
दो चार दिन का काम ही नहीं बनता जी। क्या तादाद खुदा के घर को आबाद करती है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। खुदा का घर ईमानदारों से आबाद होता है, और ईमानदार की जिंदगी की यह सिफत है वो खाली खुदा के घर से नहीं आ सकता। वो जब आता है तो अपनी कुर्बानियां खुदा के हुजूर चढ़ाता है। और हमने एक सादा सा अपने दिमाग के अंदर ये बात बैठा ली है, दिल कुर्बान करते हो, बाकी हो किसी शायद लोड़ ही नहीं कि बिल खून दे के दाता दो। ऐसा नहीं समझे, दिल कुर्बान कर दो खुदा के हुजूर, दिल कुर्बान कर दिया, कुर्बानी दे दी दिल दी, तो जो घर का बिल आया तो खून दे दो, एक गिलास खून करके दे दो, भाई जी खून ला लो मैं तो देते दिता है। ऐसा फिर क्या करना पड़ता, पैसे देने पड़ते हैं, इतने कौन देगा? नहीं देगा। हम खुदा के घर को गहराव करने का पहला कदम यही से उठाते हैं जब हम खुदा के घर के अखराजात के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाते, और यही हैकल की बर्बादी का सबब थी। लोगों ने जाना कम कर दिया, देना कम कर दिया, तकद्दस पमाल होने लगा। अब चर्च के अखराजात, हैकल के अखराजात जब तीसरी दफा बर्बाद हुई है तो क्या हो रहा था? परेशान हो जाने पुरानी गल नहीं तो नहीं तुम पहली बड़ी तो सड़क में विजिट करने के लिए चले जाओ तो ऐप तो ऐप ही हो जाते ना सारे बंदे समझते ने मेरे तो बड़ा बकवास नहीं कोई जी। तो सादा सी बात है, क्या हुआ था मती में, क्या हुआ था? पीछे की किसान पता हाँ जी उन्होंने पता है जी। अच्छा हम तजारत क्यों करते हैं? इधर कोई बंदा कोई बिजनेसमैन है शानी भाई, पैसे कमाते हो क्यों? जरूरत पूरी करने के लिए। और कोई बिजनेसमैन है कोई दुकानदार? हाँ जी जी हाँ चले बात को लंबा नहीं खींचता। हम बिजनेस करते हैं अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए। अब जब आपकी जरूरियात पूरी ना हो तो बिजनेस क्या होता जाता है? हम और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक तो दूजा कर लो पैसे हो रहा यार ऐसे से मुनाफा नहीं हो रहा, हो थोड़ा आगे छोड़ दो, बहुत आगे चले जाओ, हम बढ़ते जाते हैं। सच में ऐसे ही है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो हमारे पास आए और हम अपनी जरूरत को बेहतर तरीके से पूरा करें। अब हैकर की जरूरत पूरी नहीं हो रही, क्या हो रहा हैकर की जरूरत पूरी? एक बंदे ने आखिर मैं थोड़ी सी जगह तो 500 रुपया दिया करागा, उसने आखिर आ जाए यार कुछ दिया है। कबूतर ने आखिर कुर्बानियां चढ़ाना देने मैं कबूतर ना ला ला थे तुम भी शेर दियांगा, आओ जनाब बेचो कुछ दिया है। वैसा वैसा है कि नहीं है? हम देखते हैं ना चर्चेस के अंदर दुकाना भी पाई होती ने, किताबा भी वेखनिया होती ने, बाहर एक छोटी जी कंटीन भी होंगी है, पापड़ी भी बच्चे खा लेते, चलो जी कुछ दिया है संडे स्कूल के बच्चे खाने गए हो रहा होता ना, क्यों कर देते हैं? जरूरत पूरी नहीं हो रही है, हैकल की जरूरत पूरी नहीं हो रही है। बकरी वाला भी आ गया, जरूरत पूरी नहीं हो रही, मनी एक्सचेंजर भी आ गया, शेर शेर ध्यान किधर जा रहा है? दुनियावी मामला। अब हुआ क्या? खुदा गया, खुदा के बेटा उस घर में दाखिल होता, उसने देखा और उससे याद आया, अच्छा हैकली सुलेमानी की खूबसूरती का सबब क्या था? मुझे ना बड़ा मजा आता है कलाम सुनाने का, जब वो बैठे हुए बंदे समझ ले हो या कुछ ना करूं तो हूं हाँ कर सकता। मैं जिस जगह ड्यूटी करता हूं तो मेरे जो साथ थे तो बड़ा आहिस्ता बोलते थे ना,
अक्सर वो जब बोलते थे तो मैं उनके पास जी जी सर सर ठीक है हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक दिन वो मुझसे बात कर रहे थे, मनु बोलते हुए बहुत आस्था थे, समझ मुझे कोई नहीं आई, तो मैंने कहा जी सर। फिर उसने आस्था फिर मुझे समझ में, कहा जी सर, कहते क्या जी सर, मैंने क्या कहा, पता उसने भी जा गया था कि समझ खुद ही आई, वो बात जी कहने वाली थी नहीं। तो एक तो सबसे कह रहा था जी अगर, तो मैंने कहा हाँ जी जी सर, कहने क्या जी सर, वो जी कर छोड़ो ऊंची पांच दिन समझ नहीं आते। और मनु भी तो पता लगे कि अगले का कोई ध्यान दिया सुन दे रहे हैं, हाँ जी जी सर जी सर नहीं सर। है कितनी खूबसूरती का सबब उसकी शान शौकत, उसके ऊपर जो सोना मढ़ा गया था, उसके ऊपर जो खूबसूरत लकड़ी लगाई गई थी, कीमती पत्थर लगाए गए थे, ये उसकी खूबसूरती का सबब था। लेकिन आज की हैकल और मसीह यसु के दौर की हैकल की खूबसूरती मसीह यसु के आने से थी। उसकी खूबसूरती उसकी तमीज नहीं थी, उसकी खूबसूरती इस बात से थी कि अब जाओ जलाल का बादशाह इस घर को इस मकदस को खूबसूरत बना देगा, क्योंकि उसका खूबसूरत कोई नहीं। लेकिन जब वो आया तो उसने देखा कि उसका घर कुर्बानी चढ़ रही थी ना, पैसे आ रहे थे ना, लेकिन उसने कहा तेरे घर की गैरत मुझे खा गई, तेरे घर की गैरत मुझे खा गई, क्योंकि लिखा है मेरा घर क्या, पहले क्या लफ्ज आया था और अब क्या कह रहा है, मेरा घर मेरे लोग मेरे कहलाएंगे, लेकिन अब मेरा घर मेरा नहीं रहा बल्कि ये घर डाकुओं की खो बन गया है, अब मेरा नहीं रहा ये घर तजारत का घर बन गया है, ये घर कमाई का जरिया बन गया है, अब इसकी ईंट पर ईंट बाकी ना रहेगी। मैं आज ये नहीं सिखाना चाहता कि आप खुदा का मकदस हैं, आप तजारत का घर बन गए हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि वो घर जिस घर को खुदा अपना घर कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर मेरा घर नहीं बल्कि ये घर बन गया है, मेरे लोग मेरे नहीं रहे बल्कि ये लोग बन चुके। और फिर ये तभी हुआ जब लोगों ने संजीदगी अख्तियार नहीं की, जब उन्होंने खुदा के घर के तकद्दस को कमाल कर दिया, जब वो अपने घरों की फिक्र में पड़ गए। आगे लिखा है तब खुदा उनका कलाम हिजी नबी की मार्फत पहुंचा कि तुम्हारे लिए मुसक्किफ घर में रहने का वक्त है जबकि ये घर वीरान पड़ा है। इसका मतलब है छतदार, छतदार घर, एक ऐसा घर जिसके ऊपर छत डाली जाए। और पहले दौर में इब्तदाई दौर के अंदर लकड़ी की छत डाली जाती थी, पहाड़ों से लुबनान से लकड़ी मंगवाई जाती थी। और यहां पर क्या हुआ कि लोगों ने हैकल की लकड़ी उठाई और अपने घर की छतें डालना शुरू कर दी, खूबसूरत से खूबसूरत छत डाल रही है, हैकल सिर्फ पत्थर ही पत्थर रह गए हैं, लकड़ी सारी अपने घर से ला गए, कहते हैं अपने घर की छत की बड़ी फिक्र है। और बाबे पैंट साहब बाबे आ गया लगे वो नीली छत है सामने, खुदा के घर देते नीली छत तो मेरे घर देते लकड़ी की छत, मेरा घर पत्थरों से बना हो पर लकड़ी भी लगी हो, लेकिन खुदा का घर वीरान पड़ा। और जब हम लफ्ज बरानी के लिए बात करें तो बरानी का मतलब है सूखापन, बरानी का मतलब क्या सूखापन, या ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा जो रहाइश के काबिल ना हो, वीरान पड़ा है। कलाम मुकद्दस नए अहदनामे में हम एक शख्स की स्टोरी पढ़ते हैं जो गर्जीनियों का रहने वाला था। वो कहाँ रहता था, कहाँ रहना पसंद करता था, वीराने में, कब्रिस्तान में, वीराने में रहना वो पसंद करता था। उसकी जिंदगी में भी वीरानी थी और वो रहता भी वीरानों में है जहां इंसान नहीं रहते। तो खुदा कहता है कि मेरा घर वीरान है, अगर खुदा वहां रहता हो तो घर वीरान होगा, तो जहां कोई ना रहता वहां वो क्या होगा। अब अगर खुदा कहता है कि मेरा घर क्या है,
तो इसमें खुदा वहां पर नहीं है। वीरान क्या कह रहा कि वीरान है, ये घर मेरा है लेकिन मैं अब यहां रहता नहीं हूं, इसलिए ये वीरान हो गया। अब यहां से बरकत जारी नहीं होती, अब यहां पर कुर्बानियां नहीं आती, अब यहां से बात डिलीवर नहीं होती, अब यहां से नबूवत जारी नहीं होती, अब यहां से शिफा नहीं निकलती, क्योंकि घर वीरान पड़ा है और खुदा चाहता है कि खुदा का घर वीरान ना रहे। खुदा के घर की अहमियत यह है कि जब हम खुदा के घर में आते हैं, हम खुदा के घर में उसकी इबादत करते हैं, तो इबादत के जो फराइज हैं, इसके बाद हम दुआ के लिए आगे बढ़ेंगे। इबादत के जो फराइज हैं वो क्या क्या है जी विशाल भाई? इबादत के फराइज क्या क्या हैं? हम इधर आके क्या क्या करते हैं? भाई साहब के बगैर उन्होंने कट के विद एल्डर साहबान तो मुबशरान मैं इम्तिहान नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि किन किन साल हो गए तुम खुदा के घर जाते हैं? घट तो घट जिन साल हुए हो, बहुते तो बहुते जिन साल हुए हो भाई साहब, हम जान बुझ के करते जे ये हम मैं इरीटेट करना चाहते। हाँ जी चलिए बहन से पूछ लेते हैं, कितने साल हो गए जाते छुट्टियां छुट्टियां कट गए? 21 साल हो गए ने खुदा दे घर चल गया, तो खुदा दे फैस साढ़े की होंगे? असं आने गीत गाने फैस मिस ना पातशाह कर लेते हैं ऐसे ही आ ताली भी माड़ी मोटी बजा बजे लेने सास बजाते हैं, मौका लग जाए इस बात को मिटाउन नहीं कर रहा सिखा रहा हूं, मौका लग जाए तो दवा कर लेने नहीं तो दूजे की सौ सुन लेने ऐसे ही है ना, कलाम भी सुन लेते हैं, चंदा भी पाने हैं, ये क्या है सारे इबादत के फराइज हैं, फिर भी कहता है मेरा घर, क्योंकि हम उसकी अहमियत को नहीं जानते। ये 50 रुपए ये 100 रुपया ये 10 रुपए उसके घर की अहमियत नहीं है। अगर आपके सामने खुदा आ जाए, खुदा का बेटा अपने सामने है, कौन आएगा इधर दलेरी करके आ जाए? उसी को कर दो बाकी रुपये क्यों नहीं करना देगा? तो आप आ जाए पैसा मिला दे आप आ जाए इधर इधर आ आप मैं और आपके सामने यीशु आ गया सामने खड़ा आपके क्या तुम मुझे क्या दे सकते इधर सामने मुंह सर कर आपके सामने यीशु आ गया वो कहता हूँ मुझे क्या दे सकते हो? अपने आप को दे सकता हूँ। थैंक यू तालियों से हैं मैं कह रहा हूँ भाई कह रहे हैं कि मैं अपना आप खुदा को दे सकता हूँ, इससे बढ़कर आप क्या कर सकते तो चीटिंग करा रही है ये चीटिंग करा रही है जी जो कुछ मेरे पास है वो खुदा का दिया है वो सारा सब कुछ उसी का है। एक शख्स था ज़कई अपने दोनों से बड़ा प्यार करता था, यीशु उसके घर आ गया, यीशु उसके उन्हें की किया वो भाई भाई खालत की आप आई हैं जी ना कैसा करना ना आप आई लालो जी ने लाके जाना कभी सोचा क्यों उसने ऐसा किया था? क्योंकि वो खुदा के कदरों की मत को जान के यार था कि जब खुदा मेरे पास है तो सब कुछ मेरे पास है। मैं जब इस बात को सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यीशु ने कहा
आज इस घर में निजात आई है। क्या कहा? यीशु मिल गया। उसने अब सोचा, कहने लगा कि इस निजात के लिए सारी जिंदगी गुजार दी, निजात नहीं मिली, अब निजात मुफ्त में मिल गई है। क्या हो गया? तो ऐसे कुदरत वाले खुदा के लिए जिसके पास इस कदर इख्तियार है कि मैं उसके सामने जाता हूं, सिर्फ उसको देखने की ख्वाहिश करता हूं और वो मुझे निजात मुफ्त में देता है, इसकी शान बड़ी है। इसकी शान क्या है? तो इसके लिए बड़ा काम करो। क्या करो? अब उसके पास बड़ी चीज क्या थी? एक और भी दौलतमंद थी, अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो जाओ, मैं कहीं नहीं पाऊंगा। क्या कहा? पता है ना उसका? वो एक नौजवान था, उसे कहा निजात पाना चाहता है, जिंदगी पाना चाहता है। हाँ जी, हुक्मत अमल करना है, करना क्या चाहते हो? जगह पुत्र तो एक गल दस जी अमां जी, एक बंदे नूं नींद कित्थे आंदी है? किसे कोई कंडिया ते सौंदा है? तकलीफ च कोई सौंदा है? नहीं जी, मैनूं सुकून ही इन्ना लगदा मैं सौं जांदी हां। पॉजिटिव है कि सुकून लगदा सौं सौं जांदी हां। ते कलाम किने सुनना है? ताली कितने सजानी है? गीत किन्ने गाने ने? वो सो जाती है। राज ऐसे ही है, खुदा का घर वीरान पड़ा क्योंकि आगे से की है। सुनते पे हैं, ऐ नौजवान जिंदगी बनाना चाहता है, हुक्मों पर अमल करता है, मैं चल जाता हूं, मैं गीत भी करता हूं, मैं दुआ भी करता हूं, मैं ताली भी बजाता हूं, मैं 10 वीर भी 50-100 भी पाना, अपना सब कुछ बेच दौलत छोड़ और मेरे पीछे आ जा। दही की थी जिते वाली आदमी है, पैसे दया नहीं हो सकता, बाकी जो मर्जी ले लो, पाए हर प्रोग्राम के लिए 100 रुपया ले लिया करो। हम ऐसा अलमिया बन चुका है, बिल भी किस तरह से देना, शह भी किस तरह से लानी है, ये साड़ी कौन सी आदत है? यहाँ पे बैठे हुए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 10 भी निकली आन के, किस तरह की चीजा लेना होंगी, चीज भी किस पे लेनी है? पहला तो दस दो किस्तां दे, किने दे? किस्तां दे। बिल भी अदा करना? किस्तां दे। दाई की भी पानी है? अरे खुदा दे नाम जी किस्तां कर लिया ने। तो फिर ना भी यकीन कर लो, जन्नत भी किस्तां दे लबड़ी जे। तेरे खुदा दे दीदार भी किस्तां दे ही होंदा। फिर बरकत भी किस्तां दे लबदी, बच्चे होंदे 8 ते विचो चंगा निकलदा 1 किस्तां दे। स्कूल सारे जाते हैं, कामयाब कितने होते हैं? किस्तां दे। सही है ना? सारे तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम देते कैसे हैं? खुदा का वीरान घर किस्तों से आबाद किया जा रहा है। लेकिन ये शख्स क्या कहता है? जो मिला है ये दौलत थोड़ी सी रखना, इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे जिंदगी की दौलत मिल गई है, उसे खुदा मिल गया है। सो आखिरी बात आगे लिखा है, खुदा का घर वीरान पड़ा है और रबुल फाज क्यों फरमाता है कि तुम अपनी रवश पर गौर करो। किस पर? रवश का मतलब है ख्याल करो, ध्यान करो कि तुम क्या कर रहे हो। अब तुम चर्च भी आते हो, तुम कलाम भी सुनते हो, तुम हदिया भी देते हो, तुम गीत भी गाते हो, लेकिन खुदा क्या कह रहा है? अपनी रवश पर गौर करो। तमाम फर्ज पूरे करते हुए जिससे खुदा के घर की जरूरियात पूरी होनी है वो तुम नहीं कर रहे। हुक्म मिला लकड़ी लाओ, पहाड़ों से
लकड़ी लाओ। कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि यरूशलम पहाड़ों से गिरा हुआ था और मुश्किल था कि ऊपर से लकड़ी काट कर लाना, लेकिन लफ्ज़ यहां ये नहीं लिखा कि लकड़ी काट कर लाओ, लकड़ी लाओ। अब इनका जरिए माश था मवेशी, इनका जरिए माश था फल फ्रूट, इनका जरिए माश था खजूर अंगूर। अब हुक्म मिला कि लकड़ी लाओ, खरीद कर लाओ। क्या करो? लकड़ी खरीद कर लाओ, लुबनान से लकड़ी खरीदो और लाकर मेरा घर बनाओ। अब खरीदने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी खरीदने के लिए पैसे दे करने पड़ेंगे। और हमारे नजदीक दाई की एक ड्रामा बन चुका है। दाई की के ऊपर बात करने वाला पास्टर अजीब समझा जाता है, उसको लोग खा जाने वाली नजरों से देखते हैं। वैसे मामले में ये तुम किसी से शादी लोड़ो खुदा का घर के राम चला, और उसके नताइज सब तरीन नताइज आए हैं। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो लकड़ी नहीं लाए बल्कि लकड़ी अपने घरों में ले गए, तो कलाम मुकद्दस बयान करता है, कहता है तुम ने बहुत सा बोया। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी पर हो गया, ज्यादा से ज्यादा बो, ज्यादा से ज्यादा बीज हमारे पास हो, ज्यादा से ज्यादा अनाज इकट्ठा करो, खूब पेट भर के खाओ, नविया नविया शामा खाओ। अब बोया तो बहुत, लेकिन मिला उनकी सोच से कहीं कम उन्होंने इकट्ठा किया। जब वो अंगूर रोपने के लिए गए तो उन्हें यह था कि यहां से मनों के हिसाब से रस निकलेगा, लेकिन किलो के हिसाब से मिला। इसलिए कि खुदा का घर वीरान पड़ा था, वो खुदा को देना भूल गए थे, वो खुदा के पास जाना भूल गए थे। और फिर हम आगे देखते हैं कि तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम खाते हो असूदा नहीं होते, तुम्हारे कपड़े पहनते हो गर्म नहीं होते। सर्दियों का मौसम था, ऊन से वो भेड़ बकरियों की ऊन उतारते थे और ऊन से वो अपने गर्म कपड़े बनाते थे। हुआ क्या? बंदे ने 100, कितने तो भेड़ा ने 10, अफजाइश नहीं कर रहे, भेड़े अफजाइश नहीं कर रही, पैसा कौन कितों आएगी? ऊन कहां से लेंगे? भेड़ों से लेने, अब भेड़े नहीं हैं। थरो हूं दंद बचण के, क्योंकि अब भेड़े अफजाइश नहीं कर रही, भेड़े थोड़ी है, ऊन नहीं है, सर्दी लग रही है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। तुम उम्मीद करते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं, नताइज इंतहाई सख्त हैं, इंतहाई सख्त हैं। इसलिए कि तुमने खुदा के घर की फिक्र नहीं की, खुदा का घर वीरान पड़ा है। नामी आयत में लिखा है तुमने बहुत की उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला, और जब उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया, मैंने उसे उड़ा दिया। उड़ा देने से मुराद ये है कि जब तुम लेकर आए तो तुम्हारी जरूरत उससे पूरी ना हुई, उड़ा दिया, खत्म हो गया। इधर से ऐसे हाथ खोलो तो कोई चीज आपके पास ही ना हो। आप लाए, पैसा जेब में, बाजार गए, चीजें खरीदी, वापस आए, राशन पूरा नहीं, पैसा किधर गया? ऐसा होता है ना, और भाई साहब सारी सारी तो हमारी जेब खाली थी, राशन भी पूरा नहीं आ गया, कितने पैसा फेंका तो नहीं, नेरी से तो नहीं उड़े ना, मैंने उसे उड़ा दिया, चीजें पूरी नहीं आती। इसलिए कि मेरा घर वीरान पड़ा। और आखिरी बात कहता है और तुम में से हर एक अपने घर को, हर एक इधर मैं तकरीबन ज्यादातर मैं ही वो अनाउंसमेंट करता हूं ना, औरतों की इबादत, मर्दों की इबादत, दुआ करने की जगह आया करे, पैसों कितने को आते हैं? कोई नहीं आता, पैसा बात दिखा लिया हम जरूर।
सच बोलिया मैं कहीं नहीं आता। मेरा घर आबाद है, मेरा घर पिछले संडे भाई साहब ने कलाम जो किया था, डॉक्टर है कोई नहीं, टीचर है कोई नहीं, इंजीनियर है कोई नहीं, पायलट है कोई नहीं, खुदा का बड़ा फजल है जी, किथे रे किथे रे वो खुदा का फजल। ना बच्चे डॉक्टर बनते हैं, ना बच्चे इंजीनियर बनते हैं, ना बच्चे तरक्की करते हैं, खुदा का फजल ये है कि मेरा हर एक जवान तरक्की पजीर है, मेरा मुल्क मेरी वजह से बहाल है, मेरे घर में हर एक चीज अफराद से पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि खुदा का घर वीरान पड़ा है। हर कोई अपने घर की फिक्र में है, अच्छा सोफा, अच्छा बेड, अच्छी चादर, हर महीने एक सूट पक्का, और खुदा का घर ऐसा मतलब आप ही बड़े माड़े। मैंने अपने भाई से कहा, मैं यार दाई की दिया कर, कहने 1600 तनखा चुकी दिया, सीधा सीधा कहते 1600 तनखा चुकी दिया। मैं क्या प्राप्त फायदे च वे, कहते क्यों, मैं क्या 1600 का थोड़ा देना पैदा, जे 1600000 होंगी तो फिर भी बनता, पर इन्ना देना से तो इंज ही दिल हो जाना सी, हूँ तो इन्ना भी देना पैदा। कहते नहीं यार नहीं दी जाती, बड़ा ही औखा है। अगली दफा क्या मैं कहता कि देना शुरू किए, कहना नहीं, मैं क्या हालात कहता बड़े औखे ने, तो मैं दे के कहता औखे, तो मैं क्या दे लिया कर, ना देते हम तो औखा ही है, ऐसा ही है ना कि ना दे के मैं बहुत औखा हाँ, तो दे के भी औखा ही होना, तो मैं दे के देखना क्यों पता सौखा हो जाए, लेकिन की पता नहीं यकीन ये उसका वादा है। और आगे लिखा है, इसलिए ना आसमान से औस गिरती है और ना जमीन अपना हासिल देती है, उसने खुशहाली को तलब कर दिया है, पहाड़ों और अनाज में कुछ भी नहीं हो रहा, औस भी नहीं पड़ती, बारिश का निमूल बदल औस है, अगर बारिश ना हो और औस पड़े तो आपकी फसल अच्छी हो जाती है, लेकिन कहता मैं औस भी नहीं पहन देती। और बड़ी खूबसूरत बात है, कहता मैंने पहाड़ों से कुछ खुशहाली को तलब कर दिया है, अब बारिश नहीं बरसेगी, बादल उसका हुक्म मानते हैं, पहाड़ उसका हुक्म मानते हैं, जानवर उसका हुक्म मानते हैं, समंदर उसका हुक्म मानता है, वो पानी की हदों को मुकर्रर करता है और उसके मुकर्रर करदा हदों को नहीं तोड़ता, मानते हैं ये सारी चीजें उसका हुक्म मानती हैं, हर चीज मानते हैं। ये आपके लिए सवाल छोड़े जाता हूं अगले मैसेज के लिए, लेकिन मैं उसकी बात, उसने कहा लकड़ी लाओ, हदिया लाओ, पहले फल लाओ, दाइयां दो, चंदे दो, आपके खुदा की शान कितनी है, आपके खुदा की शान कितनी बड़ी है, आपके खुदा की शान कितनी है, ये सुनते भी चलो बयान से बाहर है। ओह प्रेज़ गॉड, आपके खुदा की कुदरत कितनी है जी, किन्हीं को आसमान से भी ज्यादा ताड़ी वाली है हाँ जी, ओ आखिर वाले अरे साहब, अरे बूटा साहब, ला में दूध है, और भी किसी कुछ कहना है, मैं आखिरी गल करता तो वो दी शान दस रही थी, साडा रब ही मंगने वाला है, बड़ा ही बुरा लगता है मुझे कहना भी, हम उसकी शान के गुण गाते हैं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं, तो कहना मेरे ती बगड़ा ली कोई नहीं, पाथा लौट दे जाते मेरे यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे पुत्र बगड़ा ली कोई नहीं, कभी भी नहीं देता है भी? आपके खुदा की शान के मुताबिक देना शुरू करें, वो अपनी शान के मुताबिक आपको देगा, और जब वो अपनी शान के मुताबिक देगा फिर क्या देगा, फिर सूखे रुखान फल आता है और हमारा फल गिर चुका है।